सच्ची प्रार्थना से सब संभव है। डार्क मार्क कैनन कैंसर विशेषज्ञ थे। एक बार वे किसी स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे, किंतु उड़ान के कुछ समय पूर्व ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। दूसरा विमान कई घंटे लेट था, इसलिए उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली। टैक्सी मिली पर बिना ड्राइवर के, अतः उन्होंने स्वयं ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान तेज आंधी तूफान शुरू हो गए और भटकते हुए एक पुराने मकान में जा पहुंचे। वहां उपस्थित गृहस्वामिनी को उन्होंने अपनी स्थिति बताई तो वे उन्हें भीतर ले गई और आतिथ्य स्वरूप उसने उन्हें कुछ खाने को भी दिया। उस स्थिति द्वारा भोजन के पूर्व प्रार्थना करने के आग्रह पर वे बोले, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। उस स्त्री की भाव भरी प्रार्थना को देखकर डॉक्टर ने पूछा, क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना ही सुनेंगे? स्त्री ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, डॉक्टर साहब, यह मेरा बेटा है, इसे कैंसर है और जिसका इलाज मार्क कैनन नाम के डॉक्टर ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं। मात्र विश्वास ही है कि भगवान कोई रास्ता निकाल देंगे। उस स्त्री द्वारा की गई सच्ची प्रार्थना और गठित हुए उस सहयोग को देखकर डॉक्टर कैनन अवाक रह गए और उन्होंने बच्चे का इलाज मुफ्त में ही कर दिया। इस घटना ने स्वयं उनके जीवन को भी रूपांतरित कर दिया। आशा है ये आपको बात पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर।